नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे महंगाई को लेकर, आज हम बात करेंगे आज से बढ़ी हुई दरों को लेकर। बढ़ती महंगाई के बीच में अब लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। आज यानी कि सोमवार से लोगों के जेब पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। GST परिषद के फैसले लागू होने के बाद से अब कई खाद्य चीज़ों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। इसमें आटा, पनीर और दही जैसे सामान शामिल हैं। इन चीज़ों पर सरकार आज से 5% GST वसूलेगी। वहीं 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी GST लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% का दर टैक्स लगाया गया है। फिलहाल यह जो किराया था यानी कि 1,000 से कम वाले, इसमें जो है टैक्स मुफ्त रखा गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम के नए नोटिफिकेशन के अनुसार सोमवार यानी कि आज से सिफारिश को लागू किया जा रहा है। इसकी वजह से दूध और पैकेट प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। 18 जुलाई से देश भर में दही, लस्सी, दूध, मक्खन, गेहूँ, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैकेट प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% GST लगाने का फैसला लिया गया है। ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्कीमर्स और केक सर्वर्स पर भी सरकार ने GST की दर को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से अब 18% की दर से GST लगाया जाएगा। सोमवार से यानी कि आज से खाने पीने के साथ साथ अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा। अस्पताल में जिन कमरों का किराया 5,000 रुपये से ऊपर है, उस पर सरकार GST वसूलेगी। पहले ये GST के दायरे से बाहर था, लेकिन हाल ही में हुई GST काउंसलिंग की बैठक में इसे भी GST दायरे में लाया गया है। LED लाइट्स और लैंप की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। सरकार ने इस पर GST को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा बैंक में भी आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। चेक बुक लेने पर अब 18% GST वसूली की जाएगी। एटलस सहित मैप पर भी 12% का GST दर से GST लिया जाएगा। 1,000 रुपये के किराए वाले होटल के कमरे पर भी आपको GST चुकाना पड़ेगा। अभी तक 1,000 रुपये तक के किराए GST के दायरे से बाहर थे। इन सब पर 12% की दर से GST वसूला जाएगा। सरकार ने खाने पीने के सामान पर GST की दर तो बढ़ाई है। जब GST कलेक्शन बम्पर हो रहा है, सरकार आंकड़ों के अनुसार जून महीने में GST कलेक्शन 56% बढ़ाकर 1.44 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लगातार 5वें महीने सरकार को GST से 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रा पैक और बैंक की ओर से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12% का GST चुकाना होगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले सामान पर GST नहीं लगेगा। प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाले चाकू और पेंसिल शार्पनर, LED लैंप, ड्राइंग और मैपिंग जैसी चीज़ों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो अब 18% की दर से आपसे लिया जाएगा। शॉवर वाटर हीटर पर भी पहले 5% का टैक्स था, जिसे बढ़ाकर अब 12% कर दिया गया है। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर लगने वाले GST को 12% से 18% कर दिया गया है। एक तरह से कह लें कि सरकार ने जो है एक बार फिर से दोहरी मार दी है, और GST के रूप में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, खास करके खाने पीने वाले प्रोडक्ट और हॉस्पिटल में भी जो है GST के दरों में बढ़ोतरी की गई है। इससे जो है मध्यम वर्ग परिवारों को इसका खासा असर पड़ेगा, आपकी जेब पर खास करके इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब आप पैकेट बंद सामान को बाज़ार से खरीदेंगे तो उसकी दरें जो है अब नई दरों में आपको मिलने वाला है। और वैसे हॉस्पिटल और किराए वैसे रूम होटल्स जहाँ पे आप 1,000 से कम किराए में रहना पसंद करते थे, उन सब पे भी जो है अब GST की दर बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में खाने पीने के साथ घूमने पर भी सरकार ने जो है आपकी जेब पर एक मार दिया है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।